अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही है परीक्षा को लेकर। फिलहाल दोस्तों, ये अपडेट बीएड के लिए कि बीएड छात्रों को प्रमोट किया गया। तो दोस्तों, हम आपके सामने विज्ञप्ति या आदेश को दिखाने वाले, जहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा बीएड बीपीएड द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिंदु संख्या 2 से लेकर 7 के तहत अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। तो दोस्तों, 2 से लेकर 7 तक के सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कि किस आधार पर इनको प्रमोट किया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि डीएलएड छात्र भी प्रमोट होने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे यार, हमें प्रमोट किया जाएगा या हमारा पेपर होगा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोग गोदी मीडिया से सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जो उनकी खबरें आती हैं वो बिल्कुल भी आपके काम की नहीं होती। तो कुछ बातें और आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक वाली बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों ठीक है अच्छा लगेगा। और वीडियो को देखिए अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि दोस्तों आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे। बाकी गोदी मीडिया तो कुछ करने वाला है नहीं। आपको एक बात और बताते हैं कि अगर दोस्तों ये जो गोदी मीडिया था ना, ये अगर सरकार से जाकर सवाल करे सीधे, तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डीएलएड का पेपर होगा, प्रमोट होंगे या कब तक क्या होगा। देखिए, मीडिया का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि सरकार से जाकर कड़े सवाल किए जाएं। ठीक है, उनसे जाकर दोस्तों ऐसे थोड़ी नहीं नॉर्मल वाले सवाल किए जाएं। देखिए, आज के दिन हमारे देश में सवाल करने लायक बहुत से हैं। जीडीपी पर दोस्तों कोई भी सरकार से सवाल नहीं करता, कोई भी मीडिया चैनल, और कोई सरकार का भाई आदमी कुछ बोलता नहीं। इनका मतलब सवाल क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल रिया पर सवाल होते हैं, रिया 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 हो रहा है देश में और कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप इन सब चीज़ों को। तो जो दोस्तों आज डीएलएड के छात्र परेशान हो रहे हैं, तो आपको भी पता चल रहा होगा कि आखिर गोदी मीडिया ने देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों देश के लिए कुछ सवाल होंगे, नौकरी के लिए सवाल होंगे, तो उससे आपको फायदा होगा। इसी को लेकर दोस्तों एक ट्वीट आया अखिलेश यादव जी का, अगर आप जानते होंगे यूपी में। तो युवाओं के गुस्से के तूफान से भाजपा के झूठे दावों के तंबे उखड़ गए। आज भाजपाई जवाब मतलब आक्रोश से बचने के लिए मुंह छिपाए बैठे हैं। सपा की मांग है कि सरकार युवाओं, छात्रों, परीक्षार्थियों व अभ्यर्थियों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान हेतु यूथ चार्टर जारी करें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये दोस्तों अखिलेश यादव जी का ट्वीट है। मतलब देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, आज की डेट में जो भी आपके साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, आपको उसको सपोर्ट करना है। कोई भी दोस्तों करे, अगर बीजेपी का ही कोई समर्थक है, बीजेपी के ही लोग हैं, सांसद हैं, नेता हैं, अगर आपके लिए दोस्तों वो आवाज़ उठाए तो आप उनका सपोर्ट करें। तो आज की डेट में दोस्तों जो भी युवा की मतलब बात करेगा, जो भी आपको नौकरी देने की बात करे, तो आपका सपोर्ट हमेशा उनके साथ होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस वाले दोस्त आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप उनको वोट करिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए सरकार को तो यही है कि उनको वोट चाहिए और उनको जीतना है। तो आप भी अपनी पावर दिखाइए। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर भाई फिलहाल आदेश आ चुका है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से अपडेट है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ बीएड छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाएगा उसको हम आपको बताएंगे। तो क्या ऐसा डीएलएड में नियम और कानून लाया जा सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, पीएनपी से दोस्तों जो यहाँ के सचिव जी थे, उन्होंने बोला कि डीएलएड में छात्रों को प्रमोट करने का कोई प्राविधान नहीं है। एक बात उनको भी पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस पहली बार आया, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि दोस्तों बीएड में हर साल छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है, इनको भी तो पहली बार ही कर रहे होंगे ना। तो वैसे डीएलएड में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आधार को हम देखते हैं कि कौन कौन से आधार है जिसके तहत इनको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट पहले दोस्तों लिखा है ना, इसमें देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि 2 से लेकर बिंदु संख्या 2 से 7 के तहत अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विषयों, प्रश्न पत्रों की परीक्षा लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थी, उन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा के उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। अगर दोस्त इनका पेपर हुआ तो नहीं रहा होगा, अगर हुआ होगा तो ऐसा होगा। फिर तीसरा पॉइंट है, ऐसे परीक्षार्थियों को जो लॉकडाउन 18 मार्च 2020 के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण किया है अथवा बैक पेपर के लिए अहर है, उन छात्रों को अगले वर्ष या सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। किंतु ऐसे विद्यार्थी या परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण है, उनको अगले वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, उस दशा में परीक्षार्थी को उस प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। पांचवा बिंदु क्या है कि प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाते हैं, वे छात्र सत्र 2020 और 21 की द्वितीय वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक विषय प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। उनके द्वितीय वर्ष के समस्त विषय या प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषय या प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा।
जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है। मतलब दोस्तों ये है कि अगर डीलर छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करना है तो सिंपल सी बात, इनको प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। नंबर आपको तब मिलेगा जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा, जो भी आपका नंबर आएगा। मान लेते दोस्तों कि आपका जो भी नंबर बना, 500 नंबर बना, 200 नंबर बना, उसी के आधार पर मतलब आपको दोस्तों प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे दोस्तों 500 नंबर का तो पेपर ही नहीं होता है, वो अगर हम सब कुछ ले लें तो 800 नंबर का आपका पेपर होता है, मतलब प्रैक्टिकल को मिला लें। वैसे दोस्तों जो आपका पेपर होता है डीएलएड का, वो होता है आपका 275 नंबर का, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके 525 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, सबको जोड़ जाड़ लेंगे तो हमारे होते हैं 800 नंबर। तो वैसे दोस्तों अगर आप 720 नंबर लाते हैं तो आपका 90% स्कोर बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ गए कैसे प्रमोट किया जाएगा उनको। उसके बाद देखिए छठा बिंदु क्या, पॉइंट क्या है। यदि कोई छात्र वर्ष 2021 की परीक्षा में विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुतीर्ण हो जाता है तो वर्ष 2022 में उस विषय प्रश्न पत्र में पुनः सम्मिलित होगा। इन केस मान लेते दोस्तों आप सेकंड सेमेस्टर में चले तो गए, मान लेते सेकंड सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको फिर मौका मिलेगा। जब आप सेकंड सेमेस्टर को पास कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर मान लिया जाएगा। अब दोस्तों अंतिम बिंदु क्या, सातवां पॉइंट देखिए। यदि कोई छात्र वर्ष 2021 की परीक्षा परिणाम के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले वर्ष 2020 के अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे छात्र आयोजित होने वाली आगामी बैक पेपर की परीक्षा में वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त किसी विषय प्रश्न पत्र में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। उपरोक्त निर्णय वर्ष 2020 की परीक्षाओं के लिए ही प्रभावी होंगे। देखिए गाइस, इसमें एक बात और कही गई है कि अगर मान लेते आपको प्रमोट कर दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर में और आप दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में मान लेते गणित में सिर्फ 15 नंबर लाते हैं, 12 नंबर ही लाते हैं पासिंग मार्क, तो दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी भाई 12 नंबर ही जोड़े जाएंगे। और आपको लगता नहीं यार फर्स्ट सेमेस्टर में हम 12 नहीं 20 नंबर पा सकते थे, तो आप दोस्तों जब दोबारा पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, उनके साथ पेपर देके आप इसको स्कोर बढ़ा सकते हैं या बैक पेपर के थ्रू कर सकते हैं, 12 को 25 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तरीका है। तो देखिए हमने आपको बता दिया कि किस आधार पर आपको प्रमोट किया जा सकता है, ऐसे नियम डीएलएड में लागू किए जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों किन किन छात्रों को यहाँ प्रमोट किया गया, बीए हो गया, बीकॉम, बीएससी, सबको दोस्तों प्रमोट किया गया। स्नातकोत्तर का सेमेस्टर में देखिए एमए हो गया, एमएससी हो गया, सबको दोस्तों मतलब सबको प्रमोट किया जा रहा है। और मतलब सिर्फ आप ही लोग ऐसे हैं जिनको प्रमोट नहीं किया गया, नहीं तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको प्रमोट किया गया है। तो डीएलएड छात्र सिंपल सी बात यहाँ निराश होंगे बीएड छात्रों को देखकर। और देखिए प्रमोट करने का आधार हमने आपको दिखा दिया कि किस बेसिस पर बीएड छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों ये आधार और मानक डीएलएड में लागू किए जा सकते हैं क्योंकि डीएलएड में भी भाई ऐसे ही पेपर होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि डीएलएड में प्रैक्टिकल के नंबर ज़्यादा होते हैं, 525 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल दोस्तों जब आधे से ज़्यादा नंबर का है तो फिर दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा सेकंड सेम में तो आप देंगे ही ना, थर्ड सेमेस्टर वाले सेकंड के हिसाब से प्रमोट हो जाएंगे, तो मतलब पेपर तो होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल पेपर ही नहीं होगा, सीधे आपको मतलब डीएलएड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये सब बातें उम्मीद करेंगे दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और उनको बीएड वालों को भी बता दीजिएगा कि आपको इस बेसिस पर फिलहाल यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। बाकी डीएलएड के छात्र हैं तो उनको भी बताइएगा कि अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो ये आधार हो सकता है, ये मानक हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी गोदी मीडिया की ही अपनी मनमानी, देखिए आपको बता देगा इस कि अगर गोदी मीडिया अगर दोस्तों ये अपना काम सही से करे ना तो डेफिनेटली दोस्तों जो आपका जवाब है परीक्षा होगा या प्रमोट होंगे बहुत ही जल्दी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आपके मन में सवाल होगा क्या YouTube वाले ऐसा नहीं कर सकते। देखिए अगर YouTube वालों को इतना मतलब परमिशन हो जाना कि सरकार से सीधे सवाल जवाब हो तो गाइस आपको एक घंटा भी नहीं यार, एक मिनट भी नहीं लगेगा, यहाँ YouTube वाले दोस्तों लाइन लगी है, सीधे सरकार को कॉल करेंगे और अपने जवाब लेंगे। यहाँ दोस्तों परमिशन नहीं मिलती यूट्यूबर्स को, नहीं तो यूट्यूबर्स में देखा आपने ना कि ट्विटर पर अभियान चलाना पड़ा कल RRB की, जो दोस्तों डेट्स आई हैं कल आपने देखा होगा NTPC की डेट्स आ रही हैं, तो ट्विटर के माध्यम से दोस्तों कैंपेनिंग हुई, लेकिन वो कैंपेनिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, लगभग 30 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्वीट किया, तो वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और डीएलएड में 1 लाख बच्चे भी मतलब एक्टिव नहीं है आज के डेट में। जी हाँ दोस्तों 15 से 20 हज़ार बच्चे ही एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, बाकी सभी बच्चे अपने अपने काम में बिजी हैं। देखिए डीएलएड का कोर्स सभी के लिए ज़रूरी है, समय से आपका सेशन कंप्लीट होगा तो जल्दी नौकरी पाएंगे, जितना ज़्यादा सेशन लेट होगा, आपको बता दें दोस्तों जितने ज़्यादा नए बच्चे हर रोज आ रहे हैं, जैसे बीएड में आपने देखा होगा 2020 का एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो रहा है, पेपर हो गया इनका, मतलब रिजल्ट भी आ गया, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, रिजल्ट आ जाता है, काउंसलिंग 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों डीएलएड 2019 बैच और बीएड का 2020 बैच बराबर ही हो जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा नए बच्चों से जो कम्पटीट करना वो मुश्किल होता जाता है, तो आप दोस्तों अपने साथ के बच्चों से कम्पटीट कर सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा नए बच्चे आएंगे
उनको ज्यादा फायदा मिलता है, तो आपको भी फायदा मिलेगा जो आपके मतलब सीनियर हैं। ये मान के चलिएगा दोस्तों आपकी पढ़ाई उनसे ज्यादा अच्छी रहेगी हमेशा, तो सीनियर बच्चों की पढ़ाई हमेशा मतलब कम होती जाती है। जैसे आप लोग टीरेड में हो सकता है लॉकडाउन में पढ़ाई ना की हो, तो आपको उसका असर पता चल रहा होगा, 2-3 महीने आप नहीं पढ़ते तो धीरे धीरे सारी बातें भूलने लगते हैं। तो पढ़ाई का दोस्तों यहाँ पर असर आता है, प्रैक्टिस आपकी छूटती है। तो बस ये कोशिश करिए कि जितनी जल्दी जो हो सके सब कुछ हो। बाकी दोस्तों पूरा देश गोदी मीडिया ने बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि इनके वजह से दोस्तों जो देश के अहम मुद्दे हैं ना तो बेरोजगारी पर बात होती है, अब GDP दोस्तों माइनस में चली गई है तो इस पर भी बात ये नहीं कर रहे हैं। इनके दोस्तों चर्चा के जो टॉपिक होता है, डिबेट्स होती है बड़ी बड़ी, इस पर दोस्तों ये बात नहीं करेंगे। देखिए न्यूज़पेपर में तो कम से कम अपडेट्स भी आ जाती है कि रोजगार के लिए थाली बजाकर बुलंद किया हुआ। देखिए दोस्तों छात्र आए, सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, छात्र संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक। अब ये दोस्तों अपडेट आपके सामने, रोजगार के लिए थाली बजाकर सरकार तक पहुंचाई आवाज, छात्रों ने ताली थाली बजाकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। गाइस आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आज स्टूडेंट को ही अपनी मुद्दे को उठाना पड़ रहा है, जबकि ये गोदी मीडिया मतलब बिल्कुल यार बिक चुका है। एक भी बार दोस्तों ये न्यूज चैनल पर ये अपडेट नहीं लाते, ये डिबेट नहीं कराते, कम से कम देश के करोड़ों बेरोजगार युवा बैठे हैं जिनको नौकरी चाहिए, कम से कम दोस्तों उनको कुछ तो मतलब मिले रहा है ना। देखिए जब डिबेट्स होती है तो उनको पता तो चलेगा कि हमें कैसे नौकरी मिल सकती है, कहाँ पर नौकरियाँ हैं, जब इन पर कोई डिबेट्स ही नहीं करेगा अब क्या होगा देश का, सोचिए। आप लोग जब भी डिलेट करके हो जाएंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जो बच्चा जब ज़्यादा पढ़ाई करता है उसके बाद हर काम के लिए, देखिए सभी इंसान नहीं बने, अब ये नहीं कह सकते कि आप डिलेट कल को कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, आप फाइनल 4 सेमेस्टर बढ़िया पास हो के 90-90% ले आए, उसके बाद हम आपसे कहते हैं चलिए पकौड़ा का दुकान लगाइए, आपको बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे यार हमने इतनी पढ़ाई इसीलिए की थी कि हमें पकौड़ा बेचना पड़े, ये आपके मन में पहला सवाल होगा, ठीक है। आप ऐसे ही आंसर करेंगे सबको कि हमने पढ़ाई इसलिए थोड़ी नहीं की थी कि हम पकौड़ा बेचेंगे, तो हम पढ़ते ही ना इससे अच्छा, या कुछ और हम काम करते हैं। आप लाखों रुपए लगाएं तो सिंपल सी बात है, आप चाहते हैं कि हमें टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, शिक्षक भर्ती है, जल्दी से जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन 69,000 का दोस्तों हाल आपने देखा, भर्ती है कि बेहाल होगी, क्या हो रहा कुछ नहीं पता, छात्र बिल्कुल मतलब अब नहीं होता है कि क्या करेंगे, कितना धैर्य रखेंगे। 2019 जनवरी में पेपर दिया था बहुत से बीएड के छात्रों ने, यहाँ पर डीएलएड के भी छात्रों ने, जो पहले कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे प्राइवेट की, सोचा चलो ठीक है सरकारी नौकरी है, बड़ी भर्ती है, आराम से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों आज तक फंसी पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो गाइस ऐसे ही हो रहा है सबके साथ, ठीक है। तो आपको अब न्यूज़ चैनल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जहाँ पर दोस्तों आपके मुद्दे बिल्कुल नहीं उठाए जाते, सोशल मीडिया पर रहिए, अपनी बात को बुलंद करिए, और देखिए अपने दोस्तों से भी कहिए कि कम से कम यार वो एक्टिव हो जाए यूट्यूब पर भी, क्योंकि आपके बहुत से दोस्त हैं जो यूट्यूब नहीं चलाते होंगे, क्योंकि देखिए डीएलएड में 4 लाख के करीब छात्र हैं, 2 लाख बच्चे और आने वाले हैं 2020 में, तो अगर आपके पास भी दोस्तों सोशल मीडिया की पावर रहेगी तो आप एक दिन में ही ट्विटर पर अपनी बात को ट्रेंड करा के एग्जाम डेट या 200 प्रमोट की बात ला सकते हैं। बाकी बात रही गोदी मीडिया की तो वो कुछ नहीं करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो दोस्तों आज के आज ही पता करके बता सकते हैं कि आपका पेपर होगा या प्रमोट होंगे, लेकिन उनके पास भी इतनी फुर्सत नहीं, और वो भी डरते हैं भाई सरकार से सवाल कैसे करें, क्योंकि भाई समझ रहे हैं ना। ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों हमने आपको ये बताया इस वीडियो में कि बीएड छात्रों को प्रमोट किया गया है और कौन से आधार थे, हमने आपके सामने रख दिए। डीएलएड में भी दोस्तों अगर ऐसा करना होगा तो पीएनपी कर सकती है, बाकी देखते हैं सरकार का अंतिम फैसला क्या होता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।